Hello and welcome to Kids Heaven Public School online classes. Now, my dear students, this is for grade 9 and this is from the book of Beehive, chapter number 6 that we have started with the title My Childhood. Now, this is an extract from the autobiography of late APJ Abdul Kalam from his Wings of Fire. We began the story of APJ Abdul Kalam from his birth. He was born in Rameshwaram, okay, that's a town in Tamil Nadu. It is situated in the earlier called Madras, which is now Chennai. So we began reading about the story, about his school and the friends he had who were Hindus, who were not Muslims. So now look at, this is a picture of him in the class. This is APJ Abdul Kalam, sir. He wore a cap that showed that he was a Muslim. Okay, so this is a picture of him sitting in the class while he was in class 5, 5th standard. And this is their science teacher. So let us see what the science teacher says. On the whole, a small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. Rigid ka asal matlab hota hai strong, theek hai, sakht. But here we can also say के बहुत स्ट्रिक्ट थे, ठीक है, सेग्रीगेशन दैट इज सेपरेशन और ब्रेकिंग डाउन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. हाउ एवर माई साइंस टीचर शिवासु ब्रह्मनिया ईयर थ्रू दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मिन वॉज विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ वॉज समथिंग ऑफ अ रेबल. ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल ईजली. अब देखें रामेश्वरम में क्या था कि जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं वो स्ट्रिक्टली अपने अपने बने हुए थे, लेकिन जो साइंस टीचर थे शिवासुब्रमण्यम ईयर, इनकी सोच अलग थी. ये अपनी हर कोशिश करते थे कि हर सोशल बैरियर, मतलब जो रुकावटें होती हैं, बैरियर्स एक तरह से जैसे हम दीवार खड़ी कर लेंगे ना कहने में कि दोस्तों के बीच में दीवार आ गई, सो ये कहने की बात होती है, एक रुकावट आ गई कि अलग अलग लोग अलग बैकग्राउंड से आसानी से मिल सकें, आसानी से आपस में बातचीत करें, वो ये चाहता था. ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विद मी एंड वुड से कलाम आई वांट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़. सो ये जो थे साइंस के टीचर, ये अक्सर कलाम से कहते थे मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर एक डेवलपमेंट आए, तुम अच्छे से, मतलब तुम्हारी सोच अच्छी हो, तुम ग्रो अच्छे से हो पॉजिटिवली, ताकि तुम जो शहरों के बड़े एजुकेटेड लोग हैं उनके साथ तुम मिलो, उनके लेवल पे आओ. ओके, अब देखें आगे क्या होता है. वन डे ही इनवाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील. हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इनवाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन. अब जो साइंस टीचर थे वो एक दिन घर पे बुलाते हैं खाने पे, लेकिन उसकी जो वाइफ थी वो बहुत ही, यू नो, जब हम सोचते हैं कि अरे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हॉरिफाइड, एक डरावना आइडिया, एक हॉरिबल आइडिया दिमाग में आता है उसके कि एक मुसलमान लड़के को वो घर बुला रहे हैं खाने पे, वो भी उसके रिचुअली प्योर किचन पे. मतलब कि रिचुअली प्योर ये एक मानना होता है, धार्मिक मानते हैं इसको कि घर बिल्कुल साफ है और बाहर की दूसरे धर्मों से बचा के रखते हैं, जैसे कि चप्पल लेके भी नहीं घुसेंगे और एक हिंदू के घर में एक मुसलमान नहीं बैठ सकता, इस तरह की सोच थी उनकी. शी रिफ्यूज्ड टू सर्व मी इन हर किचन, यहाँ तक कि उसने किचन में खाने से मना कर दिया था. शिवासुब्रमण्यम ईयर वॉज नॉट पर्टर्ब्ड नॉट डिड ही गेट एंग्री विथ हिज वाइफ बट इंस्टेड ही सर्व्ड मी विद हिज ओन हैंड्स एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील. अब जो साइंस टीचर थे उन्हें उनकी उस आदत पे कोई बुरा नहीं लगा, गुस्सा नहीं आया बिल्कुल भी. इंस्टेड उन्होंने खुद खाना परोसा और मेरे साइड में बैठे मेरे साथ खाने के लिए, मेरे बराबर में, बिसाइड मींस बराबर में. हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर. आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस ड्रैंक वाटर और क्लीन्ड द फ्लोर आफ्टर द मील. खैर उसकी जो वाइफ थी किचन के दरवाजे के पीछे से हमें देख रही थी, बिहाइंड मीन्स किसी चीज़ के पीछे, एंड मैं ये सोचा था कि पता नहीं उसने ऑब्जर्व किया था कि मैं किस तरह से चावल खाता हूँ या पानी पीता हूँ या जहाँ मैंने खाना खाया वहाँ से फर्श साफ करता हूँ, ठीक है.
When I was leaving his house, Sivasubramanian invited me to join him for dinner again the next weekend. अब जब मैं जा रहा था तो वो मुझे दोबारा एक दावत देते हैं, इनवाइट करते हैं कि मैं उनके साथ डिनर करूं अगले वीकेंड पे. वीकेंड होते हैं जो हफ्ते के दो एंड होते हैं. ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड. देखिए उन्होंने कितनी अच्छी बात बताई. जब साइंस टीचर ने ऑब्जर्व किया कि मैं झिझक रहा था, और मैं क्यों झिझक रहा था, क्योंकि उनकी वाइफ को पसंद नहीं था, तो वो मुझे क्या कहते हैं कि दुखी मत हो, डोंट बी अपसेट. और उन्होंने एक बहुत अच्छी बेहतरीन बात कही, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, जब आप कुछ बदलने की इच्छा रखते हो या फैसला करते हो कि मुझे ये सिस्टम बदलना है, ये तरीका बदलना है, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, ऐसी दिक्कतों का, ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. ठीक है, अब इस सब में मुश्किल क्या था कि उनकी वाइफ को पसंद नहीं था, और वो बदलना क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि सभी जितने भी सब लोग थे सोशल बैकग्राउंड्स के, सब आपस में मेल जोल रखें. तो अगर ये चेंज लानी थी तो प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ेंगी. ओके, व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, सिवासुब्रमण्यन्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व्ड मी विद हर ओन हैंड्स. अब देखें, जब अगले हफ्ते जाते हैं उनके घर, साइंस टीचर की वाइफ किचन में ले जाती है एंड खुद खाना परोसती है. ओके, देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज इमिनेंट. सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था और इंडिया की जो आज़ादी थी बस एक तरह से उम्मीद थी कि अब होने वाली है, आज़ादी मिलने वाली है. इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, डिक्लेयर्ड गांधी जी. गांधी जी ने कहा, मतलब एक बात कही कि इंडियंस, हिंदुस्तानी अपना हिंदुस्तान खुद बनाएंगे. द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म. आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामानाथपुरम. ठीक है, तो अब क्या होता है, जब आज़ादी मिलने वाली होती है तो जो पूरा देश था, पूरी कंट्री जो थी, वो ऑप्टिमिस्ट हो रही थी. मतलब जब हम कुछ पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव करने के लिए सोचते हैं, तो दैट मीन्स ऑप्टिमिज्म, एक पॉजिटिव सोच रखना. एंड अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है कि जो कभी पहले नहीं हुआ. ओके, सो उसके बाद फिर क्या करते हैं, ये परमिशन लेते हैं अपने पापा से, अपने फादर से, कि इन्हें रामेश्वरम से हटना है, निकलना है, और जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ पर पढ़ाई करनी है. ठीक है, वहाँ पर जाना है पढ़ने के लिए. अब देखें, ये एक फ़ोटो है, ये इमेज है, इसमें क्या है, ये सुब्रमण्यन है और ये उनकी वाइफ है जो उन्हें खुद बैठ के खाना परोस रही है. ठीक है, अपने किचन में खुद ही अपने हाथों से परोस रही है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैरा. ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो. डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट, ही कोटेड खलील गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर. योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, they are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you but not from you. You may give them your love but not your thoughts, for they have their own thoughts. ab dekhen, unhone ek baat kahi mujhse, abul unke naam le, unka naam leke, I know you have to go away to grow, but mujhe pata hai ki tumhe agar bada matlab growth chahiye, matlab आगे कामयाब होना है, डेवलप होना है, उसके लिए तुम्हें दूर जाना पड़ेगा. तो ठीक है, क्या वो सीगल पक्षी उड़ के आसमा, मतलब यू नो, एक सीगल होता है, एक छोटी सी जो है पक्षी होती है, वो उड़ने से डरती है. ये एक और कहानी है, ये मैं फिर सुनाऊंगी आपको कभी. तो वो उड़ने से डरती थी, लेकिन फिर भी अकेली बिना घोंसले के वो उड़ के गई, उसके अंदर वो हौसला आया एंड वो उड़ी. ये खलील गिब्रान की एक कहानी थी. तो ये वो बताते इसलिए हैं क्योंकि जो अबुल कलाम की मदर थी, APJ अब्दुल कलाम की मदर, वो थोड़ा झिझक रही थी, वो भेजना नहीं चाह रही थी उन्हें दूर. तो फिर जो फादर हैं वो क्या बताते हैं, ये तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं. ठीक है, ये बच्चे जो हैं, ये जीवन के जो हैं बेटे और बेटियाँ हैं, और इनको अपना जीवन जीना है. ये तुम्हारे से आते हैं, ठीक है, लेकिन मतलब तुम्हारे ज़रिए आते हैं इस दुनिया में, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं.
तुम इन्हें अपना प्रेम दो, अपनी फिक्र दो, अपनी सोच दो, सब कुछ दो, लेकिन जो तुम्हारी सोच है वो इनकी सोच नहीं हो सकती। सो एक मकाम, एक वक्त ऐसा आता है लाइफ में कि बच्चों को जाना पड़ता है माँ बाप से दूर, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी कामयाबी के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए। ये बात उनके फादर उन्हें अपनी जो है वाइफ को समझाते हैं। तो आप देखें कितनी पुरानी बात है बच्चों, तब हमारे ये जो पेरेंट्स थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। APJ अब्दुल कलाम के पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनमें एक बहुत मतलब यू नो एक वो विजडम था उनमें, इंटेलिजेंस थी उनमें, बहुत अच्छी सोच रखते थे वो। देखिए कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि नहीं भेजते, नहीं हमें नहीं पढ़ाना, हम नहीं भेजेंगे दूर, लेकिन उनकी सोच देखें आप। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि अगर आपको डेवलप होना है लाइफ में तो आपको दूर जाना पड़ेगा ही, ठीक है। सो ये APJ अब्दुल कलाम की खुद लिखी हुई है, इसलिए हम इसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, इंस्पायरिंग भी थी, इसे काफ़ी सीखने को भी मिला है। आई होप यू ऑल्सो एन्जॉय द स्टोरी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ मेक श्योर यू डू आस्क मी। थैंक यू।